नमस्कार, आप देख रहे हैं केएम न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कृष्ण भाई प्रजापति। और आज हम पहुंचे हैं, एक वकील साहब हैं, उनके घर पर जो है भीड़ का तांता लगा हुआ है, लोग बधाई देने आ रहे हैं, लोग जो मिठाइयाँ बांट रहे हैं आप देख पा रहे होंगे। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी कि आखिर ऐसा क्या हुआ और किस लिए लोग जो है बधाई देने के लिए आ रहे हैं और किस लिए मिठाई बांटी जा रही है। उससे पहले एक नज़र में आपको दिखा दूँ, कितने लोग आप देख पा रहे होंगे, फूल माला है चारों तरफ, जो है खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और आपको बता दूं कि वकील साहब हैं पंकज गोला जी और साथ में हैं बलदेव गोला जी, जो कि बार एसोसिएशन मथुरा का जो है चुनाव हुआ था, जो कि प्रतिवर्ष होता है। और आज जो है हमारे जो है पंकज गोला जी जो है बार एसोसिएशन मथुरा के कोषाध्यक्ष पद पर जो निर्वाचित हुए, उसकी बधाई देने के लिए समाज एवं सर्व समाज के लोग और वकील साहब जो है इनके घर पर जो बधाई देने के लिए आ रहे हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर ऐसा क्या हुआ, किस प्रकार से निर्वाचन हुआ, प्रक्रिया क्या रही, कितने वोट उनको मिले और किस प्रकार की खुशी उनके पास में जो है। तो सर स्वागत है आपका सबसे पहले तो चैनल पर, और कैसी खुशियाँ और कैसी बधाइयाँ आपको जो है मिल रही हैं? मैं आप लोगों का पहले तो बहुत धन्यवाद करूँगा, और मेरे अकेले की जीत नहीं है, ये मेरे उन अधिवक्ता भाइयों की, मित्रों की, सबकी जीत है जिनके सहयोग से मैं आज जीता हूँ। और चैनल के माध्यम से मैं पुनः उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में कोषाध्यक्ष पद पर उन्होंने विजयी किया। और मैं यही चाहूँगा कि अपना कार्यकाल ऐसा करूँ कि जिनको आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, आप लोगों द्वारा समय समय पर मेरे साथ में हौसला अफजाई की जाती रही है, क्योंकि वार्षिक चुनाव में जो वोट पड़े हैं सब कुल टोटल 3100 वोट थे, और 3100 वोट करीब 1800 वोट मुझे मिले, जिसमें से जो वोट पड़े वो 3000 वोट पड़े, और भारी मात्रा में मुझे प्यार मिला वक्ता भाइयों का। और मैं चैनल के माध्यम से पुनः उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनके द्वारा मुझे भारी बहुत शुक्रिया। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ना तो खुद अपने पत्रकार उपयोग करूँगा ना करने दूँगा, और उनके जो आश्वासन है उनका पूरा पालन करूँगा और हमेशा ये कोशिश करूँगा कि उनके पास सरकार आगे जरूर आप पर आए हैं यह प्रक्रिया को देखते हुए, बाकी जो और जो लोग हैं, जो जनता है, आम जनता, उसके लिए आपके लिए क्या आश्वासन रहेगा? मेरा, क्योंकि मेरे सभी भाइयों का, पूर्व का, बलदेव भैया का बहुत योगदान था, और जिसमें शिवानी भारद्वाज जी का बहुत ज़्यादा योगदान था बहन का, और मैं यही है कि जहाँ तक मेरे प्रयास होंगे समाज के कल्याण के लिए काम करूँगा, अपने पूरे समाज के लिए काम करूँगा और हर एक उस गरीब व्यक्ति के लिए काम करूँगा जिसको न्याय की जरूरत है, और न्याय जिसकी अधिकार है, और उस अधिकार के लिए मैं जहाँ तक चलूँगा तो सारा सहयोग। हमारे साथ में एक और जो है इसी वकील परिवार से एक और जो है हमारे आदरणीय जी है, और उन्होंने भी जो बहुत अच्छा योगदान उनका जो है रहा है समाज के लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी, उनकी बात करने का प्रयास करेंगे। सर आपका स्वागत है। सबसे पहले जो कि लोगों की बात करनी चाहिए, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको बधाई भी देता हूँ, जितने भी लोग हैं सबके लिए कि हमने इस सीट पर जो प्रत्याशित जो जीत हासिल की है, लगभग 29 या 3000 के लगभग काउंटिंग हुई थी और उसके बाद में 1800 के लगभग हमको वोट मिली है। ये हमारी जीत नहीं है, ये बार एसोसिएशन मथुरा की जीत है, हमारे व्यवहार की जीत है। हम बड़े भाइयों को, छोटों को, बड़े बुजुर्गों को, सबसे उनको बड़ा प्यार मिला और हम इस जीत के लिए उनके ऊपर ये बात आगे ऊर्जा प्राथमिकताएँ आपकी रहेंगी, क्योंकि एक बहुत अच्छा पद आपने जो यहाँ से किया है, लोग बधाइयाँ भी दे रहे हैं, लेकिन बधाइयों के साथ साथ आम जनता को कुछ उम्मीदें भी होंगी। सर ऐसा जो गरीब लोग आएंगे उनके लिए न्याय की प्रक्रिया में हम सबसे पहले खड़े होंगे। दूसरी बात, कोई न्याय हित के अलावा किसी के साथ भी गलत कार्य नहीं है, ये मैं आपको पंकज भैया के माध्यम से कहलाना चाहता हूँ। कोषाध्यक्ष की मर्यादाओं को सबको बिल्कुल सही तरीके से दिया जाए, बार एसोसिएशन में सब बहुत अच्छे तरीके से काम चलेगा, और जितने भी रिज्यूम आई है सुन के वो सब एक क्लास है, सभी लोग बढ़िया हैं। बस उसी के बाद ये है कि वहाँ चैम्बरों के निर्माण है और भी अन्य तरह की चीज़ें हैं, वो लोग योग है, हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ही सारे कार्य होंगे। एक तरीके से कह सकता हूँ कि भाई जी ने इस पद को लेकर के आम जनता को, सभी जो है न्याय प्रक्रिया के लिए लोग जो लगे हुए हैं, उनको एक तरीके से आश्वासन दिया है कि उनको किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो न्याय का विधान है, और भाई जी जो है न्याय के लिए हमेशा जो है तत्पर थे, तत्पर हैं और तत्पर जो है रहेंगे। आगे इसी प्रकार की जानकारी मैं आपको अपने चैनल से देता रहूँगा, तो आप बने रहना पीएम न्यूज़ के साथ।